रीवा में स्थानीय निर्वाचन के सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिले के नगरीय एवं जनपद मुख्यालय का भ्रमण कर चुनाव व्यवस्थाओं की जानकारी ली। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने मतदान सामग्री प्राप्त करने, वितरण स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल आदि का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रिटर्न एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है, इसमें सभी लोग निष्ठापूर्वक कार्य करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित एसडीएम, जनपद के सीईओ, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये कहीं है जी सर, एक रूम में 7 रूम में 8 आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आज का भ्रमण रखा गया है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। सेंसिटिव केंद्र, क्रिटिकल केंद्र, इन सबका आकलन किया जा रहा है। रेवेन्यू और पुलिस की टीम ज्वाइंट मिलकर टीम के रूप में कैसे काम करे, ज्वाइंट भ्रमण करे, बाउंड्री कार्रवाइयाँ, अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाइयाँ, अवैध हथियार पकड़ने की कार्रवाइयों पर फोकस करें पुलिस, इसको लेकर आज का जिला का भ्रमण तो किया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं तो हमारी टीम मिलकर साथ में आपस में अच्छी भूमिका निभाएगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। स्थानीय निर्वाचन को देखते हुए आज हमने और एसपी साहब ने पूरी टीम के साथ ऐसे सभी स्थल जो कि रूरल और अर्बन चुनाव के हिसाब से जहां पर स्ट्रांग रूम बनना है, जहां से सामग्री वितरण होनी है, सामग्री वापसी होनी है, जहां पर काउंटिंग होनी है, जहां सारणीकरण होना है, उन सभी परिसर को, उन सभी बिल्डिंग्स को और जो लोकल टीम है जिनको ये चुनाव कराना है अर्बन के और रूरल के, उन सभी के साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के जो तरीके हैं, सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं लगानी है, उन सब का जायज़ा लिया जा रहा है। और आज हम लोगों ने पूरे ज़िले के सभी जनपद पंचायत, सभी नगर पंचायतों में भ्रमण करने का निर्णय किया है और पूरी टीम एक साथ जा रही है। मौके पर जो समस्याएं और इशू है उसका निराकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि बरसात होने की संभावना भी हो सकती है इस बीच में या मतदान के दिन या काउंटिंग के दिन, तो उस हिसाब से भी ईपीडब्ल्यूडी भी साथ में है और वो उन भवनों को और उन परिसर में ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे ताकि अगर कोई बरसात की स्थिति होती है तब भी हम चुनाव कराने में, काउंटिंग कराने में, सामग्री वितरण करने में, वापसी करने में, सारणीकरण करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सभी आरओ, एआरओ और जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो इसका आकलन कर रहे हैं और उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि आप बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करें और जो अत्यंत आवश्यक हो उन्हें ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बताएं। साथ ही जिन मतदान केंद्रों को आप संवेदनशील या अति संवेदनशील बताते हैं वहाँ पर आप भ्रमण करें, पुलिस और मजिस्ट्रेट साथ में जाकर वहाँ कैंप करें और उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करें जिसके कारण आपको लगता है कि वो संवेदनशील और अति संवेदनशील हो, ताकि चुनाव के पूर्व, प्रचार के समय, चुनाव के दौरान और चुनाव काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित।